एरिया पहले डेवलप नहीं था तो थोड़ा सस्ता पड़ गया था, तब 18,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से मिल गया था प्लाट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस रेट में प्लाट आपको मिल पाएगा, क्योंकि अब इस प्लाट की कीमत सुनने में आ रहा 30,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकती है प्रति वर्ग मीटर, यानी दूना से भी ज़्यादा अधिक होने वाला है, दूना के करीब हो सकता है। 17 हम लोगों ने 18 में लिया, 17,000 रुपये 917,900 में, और अब तो इससे भी ज़्यादा की स्थिति यहाँ पे लग रहा है कि इससे ज़्यादा की प्लाटिंग हो सकती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप उस रेट में भी एक ख़राब सौदा नहीं पाएंगे। देख रहे हैं आप, रोड देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी, पूरा एक अलग ही व्यू है इसका, पूरा अलग नज़ारा, अलग व्यू, ग्रीनरी तो यहाँ भर भर के। देखिए कार तेजी से चली आ रही है, तो एक अच्छा व्यू है, अच्छा नज़ारा है सरस्वती हाईटेक सिटी के, सब सेक्टर वाइज है। मकान जो भी बनेंगे बहुत ही स्टेबलाइज तरीके से बनेंगे, एक सिस्टमेटिक और मैनर तरीके से बनेंगे, ये नहीं कि कोई कैसे भी नक्शा पास करा ले, सब बिल नक्शा पास होते ही मकान बनेंगे। तो अगर आपने यहाँ प्लाट नहीं लिया है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे ही सरस्वती हाईटेक सिटी की कोई प्रोजेक्ट दोबारा फॉर्म निकालेगा, हम इसे अपडेट करते रहेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको अपडेट बराबर सरस्वती हाईटेक सिटी की मिलती रहती है। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो सरस्वती हाईटेक सिटी पे बनाया है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तब हाईटेक सिटी की क्या स्थिति थी और करंट में क्या स्थिति। तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, एक अच्छी सिटी, एक मॉडर्न सिटी, एक हाईटेक सिटी वाकई लग रही है कि डेवलपमेंट हो रही है। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए क्या रोड है दोस्तों, ये सरस्वती हाईटेक सिटी का ही रोड है। देखिए सूरज भी इस समय डूब रहा है, जब हम बना रहे हैं वीडियो तो शाम के 6 बजे हैं आसपास, और बहुत सारे लोग, देखिए बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है इस पर, ये ड्राइव भी करेंगी, थोड़ा ड्राइव करोगी? हाँ नहीं चलाना, चलाओ पकड़ के रखे रहेंगे, चला लो, रोड अच्छी है। और ये बोल रहे हैं देर हो रहा है तो ड्राइव नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे, तो उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नए स्कूटी चालक उन्हें किस तरीके से गाड़ी सीखना चाहिए, किस तरह से चलाना चाहिए। कार ड्राइव करने आती है और बाइक भी ड्राइव कर लेती है, लेकिन स्कूटी से थोड़ा ये घबराती है, क्योंकि बाइक एक खुद चलाती हैं और वो चलते, क्योंकि स्कूटी के सिस्टम थोड़ा अलग होते हैं ना, इसमें जो ब्रेक है और वो एक्सीलेटर है तो अलग होता है, तो इनको थोड़ा सा हड़बड़ाहट है, लेकिन फोर व्हीलर की तो एक्सपर्ट है। और मुझे तो नहीं आता अच्छे से चलाना, यानी कि बच्चे अब गिनियाँ कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे, कुछ मस्ती मारना है, क्या मस्त रोड है। मेरी मौसी वौसी आती है यहाँ टाइम में, सब सरस्वती हाईटेक सिटी इतना अच्छा है तो आएंगी, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। हम लोग का पास में घर होता तो हम लोग भी आते, लेकिन हम लोग का तो तारागंज में दूर है, तो हम लोग नहीं आ पाते, और हम लोग का जैसे ही बन जाएगा तो हम लोग आएंगे। हम तो चाह रहे हैं कि कहीं मौसी नहीं मिल जाए, इसलिए हम लोग छुप छुप। देखिए कुछ लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, अभी तो भाई मौसी मिल जाएगी तो हम लोग को उनके यहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि मिल जाए मौसी। ये कैसे दौड़ रहे हैं बच्चे, यही सब जाएगा। और ये पूरा हम वहाँ जो उस तरह घूम के जाते हैं सरस्वती हाईटेक सिटी में, तो उससे हम बच गए हैं, एक दूसरा रास्ता हमने चूज़ किया है और सारा। तो इधर कुछ और भी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका ओवर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।